रहते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए, बारिश हो रही है काफ़ी, 2-3 दिन हो गए, बेल का पेड़ रही है। डेली सुबह उठ के मैं इसको नमस्कार करती हूँ। उसके बाद देखिए, ये लौकी है और मेरे डिब्बे में भी काफ़ी प्लांट्स लगा रखे। ये तोरी की बेल है, इसमें देखिए एक तोरी लगी हुई है, तोरी लगती रहती है इसमें। और अगर आके बंदर तोड़ के खा लेते हैं, हमें भी नहीं मिलता है खाने के लिए। और ये बगल में जो दूसरी तोरी की बेल है, उसके पत्ते ख़राब हो गए। ये चिचिंडे की बेल है, इसमें छोटे छोटे 2 चिचिंडे लगे हुए हैं, और देखते हैं कितने बड़े होते हैं ये चिचिंडे। आपके संग जरूर शेयर करूंगी इसके पिक्चर्स। और ये बगल में एक करेले का बेल है, उसमें ये 2 करेले 1-2 लगे हुए हैं, काफ़ी लगे थे पहले, अब बेल सूख रही है, पुरानी हो गई काफ़ी बेल। स्पाइडर प्लांट है ये, और ये मिर्च के पौधे हैं। और मैं अब करने वाली हूँ नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में मैं आज आलू पनीर का पराठा बनाऊँगी। और देखिए आगे का सीन है, ये स्नो वाइट है, ये बाहर रहती है पर रात को और सुबह यहाँ अंदर सोती है। और ये मैंने आटे में अजवाइन नमक मिला लिया, और ये मैंने आलू और पनीर मैश कर लिया अच्छे से। उसमें कसूरी मेथी, लाल मिर्च और प्याज काट के डाला है, काली मिर्च पाउडर डाला है। और ये पराठे रेडी हो चुके हैं और बच्चों ने कर लिया ब्रेकफास्ट। मैं स्नो को बुला रही हूँ। तो स्नो आ गई है और मैंने उसको दिया है दूध रोटी। तो वो बहुत डरती है, कोई खड़ा होगा तो आएगी नहीं जल्दी से मेरे पास, हम लोगों के पास आती है, पर कोई अनजान को देखेगी तो आती नहीं। माँ जी वहाँ पर बैठी थी, उसको देख के वो आ रही थी, मैं उसके साथ मस्ती कर रही थी। तो फिर उसके बाद देखिए मेरे प्लांट्स हैं, पाम का पेड़ बहुत बड़ा हो गया, काफ़ी प्लांट्स है, पर अभी मिट्टी गीली हो रही है चारों तरफ। और ये देखिए अंदर से रियो पूछे ला रहा है देख देख के, और आ चुके हैं। अब हमारा हो चुका है फ्रूट बेक का टाइम। तो माँ जी यहाँ पे मौसमी, अनार और सेब की चाट बना रही हैं। और ये देखिए हम खाएंगे। और आज मैंने दाल बनाई, इसमें बहुत नमक हो गया था, तो मैंने आटे की गोले डाली जिससे वो नमक को सोख लिया, नमक कम हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।